हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनैलिटी, ठीक है, जो एक नया टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर अप किए थे, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने अपने एटीट्यूड का जो भी हमारा टॉपिक था वो हमने कवर अप कर लिया। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक एटीट्यूड के जितने भी सब टॉपिक्स हैं सब कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पर्सनैलिटी का मीनिंग। एंड डेफिनेशन, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बताऊं, पर्सनैलिटी पढ़ने से पहले भाई, जैसे सपोज हम बात करते हैं, प्रीवियस हमने जो सबसे पहले हमने परसेप्शन पढ़ा, ठीक है। परसेप्शन के बाद फिर हमने एटीट्यूड को कवर किया। अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा है, जो भी उसके सामने एनवायरनमेंट है और उसमें जो भी स्टिमुलाई है उनको परसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एटीट्यूड को पढ़ा, यानी कि जो भी वो परसीव कर रहा है उसके बाद उसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा है और एक आउटकम दे रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आपने आपका परसेप्शन, उसके बाद आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और उसी में हम बात कर रहे हैं किसकी, एटीट्यूड की, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, ओके। तो परसेप्शन के बाद एटीट्यूड, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, वो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, पर्सनैलिटी, यानी कि इन सब चीज़ों के बाद आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से शेप अप होती है, ये हम कवर अप करने वाले हैं। यानी कि उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि परसेप्शन, कि भाई किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हो, और उसके बाद किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एटीट्यूड पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हम कवर अप करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक, क्या है, डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओके, पजेस्ड by a person for unique adjustment in environment। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी को जो बताया है, क्या बताया है कि भाई पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ डायनामिक, यानी कि बहुत सारे डायनामिक और ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी एक यूनिक एडजस्टमेंट, आपकी एक यूनिक प्रेजेंस को एनवायरमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, अब उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से अपने आप को वहां पे शो किया, ठीक है। एक एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, तो जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई डायनामिक और ऑर्गेनाइज करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैंने बात करी ना करेक्टरिस्टिक्स की, तो कहीं ना कहीं जो भी ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो यहाँ पे मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट में, तो वही चीज क्या है स्टूडेंट, पर्सनैलिटी है,
उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मीनिंग है वो बताया गया है, पर्सनैलिटी इज़ अ डायनामिक, ओके। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी इज यूज्ड इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है भाई, आप किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जैसे कि सपोज कोई भी एक इंडिविजुअल है वो किस तरीके से दिख रहा है, उसकी उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसका इंट्रैक्शन कैसा है लोगों के साथ, यानी कि जो एक एक्सटर्नल अपेयरेंस है वो भी हम यहाँ पे पर्सनैलिटी में ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि आपने देखा होगा हम पार्टीज में जाते हैं तो पार्टीज में हम वेल ड्रेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी क्या होती है, डिटरमाइन होती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज़ यूज इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर, किस तरीके से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी हमारी क्या है, पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बात करी कि आप एक्सटर्नल अपेयरेंस की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक्सटर्नल, आपका एक्सटर्नल अपेयरेंस कैसा है, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस प्लस ड्रेसिंग सेंस के साथ योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कोई भी एक क्या है इंडिविजुअल है, वो दिखने में भी बहुत स्मार्ट है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत वेल है, और साथ के साथ उसका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वो अपने कम्युनिकेशन से दूसरों को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम पर्सनैलिटी में ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी जो एक्सटर्नल अपेयरेंस है वो भी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट मतलब कि आगे हम इसको इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी मींस हाउ पीपल अफेक्ट अदर, ठीक है, किस तरीके से हम दूसरों को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। यानी कि जो भी हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उस सिचुएशन को किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पर्सनैलिटी मीन्स हाउ पीपल अफेक्ट अदर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन किसने दी, गॉर्डन एल्पॉट ने दी थी, गॉर्डन एल्पॉट। इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया ये डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट, जो भी हमने ऊपर यहां पे लिखा है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहां पे जो गॉर्डन एल्पोट है इन्होंने डेफिनेशन दी, इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं पर्सनैलिटी क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया है साइकोफिजिकल सिस्टम,
यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो साइकोलॉजिकल, हमारी क्या साइकोलॉजी है, किसी भी एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी और उसका फिजिकल, इन दोनों चीज़ों से उसकी पर्सनैलिटी क्या है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक तो उसकी साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं उसकी लर्निंग, ठीक है, परसेप्शन, उसके वैल्यूज, उसके बिलीफ्स, किस रीजन से वो बिलोंग करता है, किस एरिया से वो बिलोंग करता है, यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर प्लस फिजिकल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कभी वो फिजिकल देखने में कैसा है, ठीक है, तो उस ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उसकी एक यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन कर रही हैं जो कि उसकी क्या है, पर्सनैलिटी का पार्ट है। जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है मेंटल प्रोसेस, मेंटली मैं कितना स्ट्रांग हूँ, उसके बाद मेरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरे क्या बिलीव्स हैं, ठीक है, यानी कि ऑल साइकोलॉजिकल फैक्टर प्लस फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, मैं दिखने में कैसा हूँ, मेरी हाइट टॉल है या शॉर्ट है, मैं फैटी हूँ या थिन हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो यही डेफिनेशन किसने, गॉर्डन ऑलपर्ट ने दी, इन्होंने बताया कि भाई पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट, ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने क्लियर करी है। इसके बाद एक डेफिनेशन स्टूडेंट और क्लियर कर लेते हैं हम, ये है अकॉर्डिंग टू रच, इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, अकॉर्डिंग टू, अब ये बोल रहे हैं पर्सनैलिटी क्या है, पहली चीज क्या, पर्सनैलिटी शुड इंक्लूड फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक्सटर्नल अपीयरेंस, बिहेवियर ऑफ सोशल स्टिमुलस, वैल्यू, ठीक है, सेकेंड वन इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, थर्ड वन पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजरेबल ट्रेड, इनको आप मेजर कर सकते हो बोथ इनर एंड आउटर। तो जो रश है, इन्होंने कहा कि भी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, एक्सटर्नल अपेयरेंस जो भी मैंने बताया, एक्सटर्नली आप किस तरीके से दिख रहे हो, ठीक है, एंड आपका बिहेवियर ऑफ सोशल स्टिमुलस, भाई एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या है स्टिमुलाई है, वहाँ पे आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, उन स्टिमुलाई को किस तरीके से आप परसीव कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ठीक है, इससे हमारी पर्सनैलिटी क्या हो रही है और स्ट्रक्चर होती है, शेपअप होती है, हम किस तरीके से दिखते हैं, प्लस हमारा बिहेवियर। सेकेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, यहाँ हम क्या है खुद से कितना अवेयर हैं, ठीक है, कभी सपोज आप किसी एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हो तो उस एनवायरनमेंट को परसीव करने के लिए आप खुद कितना अवेयर हो, और ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में भी इंक्लूड होती हैं, वहाँ पे इन सबको आप रिफ्लेक्ट भी करते हो, जैसे कि एक मैनेजर है वो कितना अवेयर है अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, तो वो अगर वो अवेयर है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसको प्रॉपरली क्या है रिफ्लेक्ट भी करेगा अपने बिहेवियर में, तो वो भी क्या है हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। और थर्ड क्या है, पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन मिजरेबल ट्रेट, यानी कि यहाँ पे जो जो मिजरेबल ट्रेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कितना पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हो या कितना नेगेटिवली चीज़ों को ले रहे हो, ठीक है, आपके अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रस पर्सनैलिटी शुड इंक्लूड एक्सटर्नल अपेयरेंस एंड बिहेवियर और सोशल स्टिमुलस वैल्यू, सेकेंड वन इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स, और थर्ड वन
पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. इन द टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोनिया विच मीन्स टू स्पीक थ्रू. तो एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पर्सनैलिटी है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिस पर्सोनिया से, इसका मतलब है स्पीक थ्रू. किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों के सामने, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच.